पास कांस्टेबल जीडी की जॉब्स को लेके जो कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है, मेल फीमेल के लिए न्यू वैकेंसी जो आउट हुई है कांस्टेबल जीडी में, 10th पास अगर आप हो तो इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई है, कंडीशंस क्या क्या रखी गई हैं, क्वालिफिकेशंस क्या क्या रखी गई हैं और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, रनिंग कितनी करनी पड़ेगी और कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका क्या है और कब से कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहेगा। जो 10th पास कांस्टेबल जीडी की न्यू वैकेंसी आउट हुई है उस सब का क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, पूरा इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसी तरह इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दिया जाएगा फ्रेंड्स आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ पे आपका जो लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की, जो 30 जुलाई तक आप अपने ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपके लिए मैं सबसे पहले बात करूँ एज लिमिट कितनी रहेगी, 18 से 23 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने 10th पास कर रखी है। और इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड आपका आईसाइट जो होना चाहिए, इसमें आपका जो नॉर्मल आइस होना चाहिए, नॉर्मल आइस में आपका जो विजुअल एक्टिविटी होनी चाहिए वो M6 होना चाहिए बैटर के लिए और वर्स के लिए N9 का। और अगर आपकी अनकोरेक्टेड है यानी कि डिस्टेंस विजन है तो 6x6 और वर्स में 6x9, और कलर विजन CP3 का इशारा होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपकी हाइट 1 सेंटीमीटर और फीमेल की 157, चेस्ट आपकी 80 और एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। तो ये आपके लिए पेस है, पे स्केल इसका क्या रहेगा, लेवल 3 का रहेगा, तो काफ़ी बढ़िया आपके लिए ये सैलरी वगैरह हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है और किस में ये वैकेंसी इधर रखी गई है, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करें सिलेक्शन प्रोसेस आपका, सबसे पहले कैंडिडेट की जो वेरीफिकेशन की जाएगी, उसके बाद इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड मेजर किया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद बेट किया जाएगा, बेट के बाद जो आपका फील्ड ट्रायल होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, यानी कि आपका टैटू कॉन्टेंट जो नहीं होना चाहिए, उसके बाद रीमेडिकल, और रीमेडिकल के बाद फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। अब जिसमें बात करें असम राइफल में, आप कांस्टेबल जाने की जीडी में राइफल मैन और राइफल वूमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो आपके लिए एस एस स्पोर्ट पर्सन होगा, जिसमें फुटबॉल एथलीट्स, रोइंग, उसके बाद पंचक सिलाट, क्रॉस कंट्री, आर्चरी, बॉक्सिंग, ठीक है, बैडमिंटन, ये आपके लिए पोस्ट रखी गई हैं, टोटल 81 पोस्ट हैं। और अगर आपने स्पोर्ट्स में जो इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल्स, नेशनल अवार्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में अगर आपने लिया है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 18 से 23 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट पे www.assamrifles.gov.in पर जाके। ये आपके लिए बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट अपडेट है। आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही।